क्या एंटरटेनिंग नहीं था? भाई जो सब्सक्राइबर थे वो भी छोड़ कर चले गए, और जाते जाते आपके लिए ये वीडियो छोड़ कर चले गए हैं। कौन सा? लो मत करो, रहने लो रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। पर भाई आपके सबसे बड़े फैन ने आपके लिए ये वीडियो भेजा है। You never give up. You never give up. You pick yourself up, you brush yourself off, you push forward, you move on, you adapt, you overcome. That is what I believe. Yes. Intro laga chote. तो दोस्तों, बॉलीवुड की शादी और वहाँ पे डांस ना हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और खासकर विकी कौशल और कैटरीना जी की अगर शादी हो, वहाँ पे डांस ना हो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो विकी कौशल और कैटरीना जी के शादी में ना दोनों तरफ से बहुत सारे अतरंगी डांसर आए थे, और वो विचित्र प्राणी की तरह भी डांस कर रहे थे। और हाँ, एक जल परी भी आई थी जिसका शूट मेरे भाई ने किया है, अभी तक मुझे नहीं दिखाई, तो देखते हैं। तो इन अंकल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिरकार विकी कौशल की शादी कैटरीना जी के साथ आखिर हो ही कैसे सकती है, असंभव है ये। भाई यकीन तो आपको भी नहीं हो रहा था। हाँ यस, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या कहोगे? क्या कह सकता हूँ मैं भी, दिलया घरी सुखी रहा और क्या। तो आप सोच रहे हैं कि ये अतरंगी आखिरकार है कौन जो इतनी विचित्र पद्धति से डांस कर रहा है। जब इनकी जानकारी निकाली गई तो इन्होंने कुछ ऐसा कहा, इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ऐसा दिया, इतना बड़ा दिया कि मुझे उसको पूरा हाथ में लिखना पड़ा। तो ये थे दूल्हे के दूर के चाचा के मामा के भतीजे के बुआ की मौसी के चचेरे भाई के बेटी के पति के दूर के दोस्त, इन शॉर्ट बिन बुलाए मेहमान। भाई आपकी तरह मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं था, मुझे भी पत्रिका दी गई थी। कब? ट्विटर पे। ये सब देख के लड़की वाले थोड़ी ना चुप बैठते, उन्होंने भी दो चार टुमके मारे। देखो तो जा। मुझे अभी तक इस गाने का मतलब पता नहीं चला। ले लो रियाना, हम शादी में आए सब्जी मंडी में नहीं कि आलू ले लो, अनार ले लो, अनार ले लो। और ये थे लड़की के चाचा के पत्नी के मामा के चाचा के फुफेरे भाई के ससुराल वाले। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो कुछ भी नहीं, आगे और बाकी है। तो ध्यान से सुनो, जिस पल का हमें इंतजार था, जिस घड़ी का हमें इंतजार था, वो आखिरकार आ चुकी है। इसलिए खुशी का पट्टा जरा कस के बांधो, इतना कस के बांधो कि सांस भी ना आए। तो अभी वो वीडियोस आने वाले हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हाँ, वही जल परिवार जो तुमने शूट किया था, ठीक है ना। तो उससे पहले एक वीडियो है जो मेरे दिमाग में घर करके बैठी। तो शादी चल रही थी और गाना भी चल रहा था, तो अचानक वहाँ पे अंकल आए, और अंकल अजीब से इशारे करते हुए डांस कर रहे थे, और दूल्हे को वो इशारा दिखाकर चिढ़ा रहे थे।
मुझे पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं शूट में व्यस्त था, मैं शूट कर रहा था। पर जब मैंने उसको स्लो मोशन में देखा, तो मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा था। तो ठीक है, अभी वो घड़ी आ चुकी है जो मेरे भाई ने वो वीडियो शूट किए थे जलपरी का। बहुत बार कल से पीछे लगा है, जलपरी का वीडियो देख। अब कुछ जलपरी को देखना तो मैं भी चाहता हूँ। आखिरकार कैटरीना जी और पीकी कौशल जी की शादी थी तो उसमें तो जलपरी आना, यानी कि वाह, मतलब चल रहे लगा। अरे ये तो टट्टी है, मैंने मतलब मछली है, जलपरी वाला वीडियो लगा ना, ये दूसरा था, दूसरा हाँ, लगा। हाँ लगा। मैं भी तो देखो जलपरी को ये अंकल लोग कभी हमें अच्छी चीजें देखने ही नहीं देंगे। क्या भाई यार, तूने कहा था जलपरी का वीडियो तूने शूट किया क्या यार, इसलिए मैंने ये वीडियो लिया था। पूरा मूड खराब कर दिया यार तूने, सच्ची वीडियो चाली कट नहीं किया अभी तक, वीडियो कट नहीं किया अभी तक, कर जा।